लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में पूरे जनपद में मनाया गया। इस अवसर पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर एवं जिलाधिकारी केवीएन पांड्या ने गोलघर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, उप नगर आयुक्त अवनीन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, महापौर साहब नहीं है क्या? सरदार पटेल 31 अक्टूबर 1875 को आज ही के दिन उनका जन्म दिवस है और आज एक और तरीके से ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज पूर्व में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उससे आज दो यूनियन टेरिटरी कार्व आउट हो रही हैं और धारा 370 का जो अमेंडमेंट सरकार ने किया है आज उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। सो आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हम यदि हिंदुस्तान में खड़े हैं, भारतवर्ष में खड़े हैं, तो इन्हीं महापुरुष की वजह से खड़े हैं। अदरवाइज़ आपको जैसे कि पता है 500 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं, हिंदुस्तान नहीं था। तो हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट है और हिंदुस्तान जो आज है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से है और हम जितना भी उनको नमन करें वो कम होगा। और आप इसी के साथ साथ उनके जन्मदिवस पर उनको लौह पुरुष कहते हैं हम, और लौह पुरुष के जो संदेश हैं वो हम चाहते हैं जनमानस में पहुँचें और लोग इस देश की विभिन्नताओं के होते हुए भी इसको एकीकृत करने में, इंटीग्रेट करने में और इसकी एकता को बनाए रखने में जितना प्रयास करें यही मैं कामना करता हूं। जय हिंद।